हमारे बीच सभी उपस्थित कार्यकर्ता बंधु हमेशा ही कुमार विश्वासघात करते रहे। उनका 6 विधायक था उस समय हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में के जंगल राज के पुत्र तेजस्वी के साथ सरकार बनाने में उनको कोई गुताही नहीं हुआ। वहां उन्हीं तेजस्वी यादव ने उसी राजद के नेताओं ने यही नीतीश कुमार ने बिहार विधानसभा में अपना स्पीच दिया था, हम मर जाएंगे लेकिन उनके साथ कभी नहीं जाएंगे, लेकिन आज वो जीवित ही चले गए। शुरू हो गया जंगल राज, एक बार फिर चलाया जंगल राज, रिटर्न हो गया। हम अपने कार्यकर्ताओं से, अपने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से यह चाहेंगे कि हम सब आप भी अपने बातों को रखेंगे। हेलो भारतीय जनता पार्टी, 7 जो विश्वासघात किए हैं हमारे नीतीश जी, ये कोई बड़ी बात नहीं है। ये पलटू चचा शुरू से ही हम लोग के साथ विश्वासघात करने का काम, और इससे ये बिहार के जनता के असलियत का सच्चाई बतावे खातिर समूचा राज्य में हमनी के पार्टी के तरफ से जिला मुख्यालय पर धरना के कार्यक्रम चल रहा था। कुछ पारिवारिक कारण से जनता के हमनी के पार्टी के अब बहुत ज्यादा सतर्क हो जाए के काम बा, सतर्क ऐसे हो जाए के काम, कोनो व्यक्ति के भरोसे नहीं की जा, जनता के भरोसे रह जा, विजय प्राप्त कर। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। विश्वासघात जनता के साथ धोखा हुआ, जनता के साथ विश्वासघात किया। विश्वासघातियों के खिलाफ हम सड़क पर हैं क्योंकि हम जनता के साथ, और जनमत तो मिला था जंगल राज के खिलाफ, चूंकि लोगों, और आप उस जंगल राज के गोद में जाके बैठ गए, उस जनमत का अपमान किया, मैंडेट का अपमान किया। लोकतंत्र की धरती है बिहार, यहीं से लोकतंत्र का जन्म हुआ था। ये धरती इसका सहन करेगी, यहाँ के लोग इसे इसका सहन करेंगे, इसलिए हम हैं। जनता के इच्छा का दलन हुआ है, इसलिए हम उसके खिलाफ। क्या लगता है कि ये गठबंधन जो हुआ है ये टिक पाएगा? कि ये गठबंधन जाएगा और बहुत जल्दी जाएगा। ये गठबंधन बेमेल तो है ही है, ये गठबंधन जन विरोधी है, लोकतंत्र विरोधी है, इसलिए ये गिने चुने दिन हैं और उसके दिन लद गए हैं। ये जाते ही आते ही जाने की तैयारी होगी, और अब तो जनता सामने खड़ी है, जाना ही पड़ेगा। क्या नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रहेंगे 8वीं बार के, फिर इनका पद जाएगा? इस तरीके से अभी चल रहा है, और प्रधानमंत्री जाएगी तो पद भी जाएगा ना, पद तो जाएगा। अब आप देखिएगा, इस देश में चुनाव होगा, बहुत जल्द चुनाव होगा, और जनता के बीच सबको जाना पड़ेगा, और भारतीय जनता पार्टी प्रबल बहुमत के साथ जनता का आशीर्वाद लेकर के सत्ता में आएगी। बिहार वासियों से क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से ये हुआ है राजनीति जो बिहार में, क्योंकि बिहारवासी भी अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने वोट किसी और को दिया, वो कुछ और गया, वही पुराना पुनरावृत्ति दोहरा दिया गया। बिहार की जनता से हमारी एक ही अपील है कि इसका धैर्य धारण कर शांतिपूर्वक इसका विरोध हो। मैंडेट के खिलाफ जिन लोगों ने फैसला किया है, विश्वासघात किया है जनमत के साथ, उनके खिलाफ आप खड़े हों। भारतीय जनता पार्टी जनता के इच्छा और आकांक्षाओं के साथ खड़ी है, और हम यह प्रतीक्षा जब 2017 में 2013 में जो नीतीश कुमार पलटते रहते हैं इधर से उधर, जब 2013 में वो गए थे तो उनका ईगो क्लैश कर गया था। उन्होंने बोला कि जो भ्रष्टाचार के आरोप है तेजस्वी जी पर, इस कारण मैं जनता के हित में उनसे अलग हो रहा हूँ। उनका जो उस समय संदेश गया, जो जनता के बीच जो मैसेज गया, वो काफी अच्छा गया।
और इस बार जो होते हैं, इस बार आरोप लगा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी